विराट कोहली ने उन तमाम लोगों का जो ये कल खबरें चला रहे थे रोहित शर्मा के लिए कि ये T20 से नहीं होंगे और विराट कोहली T20 में नहीं होंगे, बता आपको नजर आता, दिल खुश कर दिया। चांसलेस इनिंग थी, ब्रेथ टेकिंग इनिंग थी, सिक्सेस, बाउंड्रीज, एवरीथिंग यू कुड हैव इमेजिन, यू कुड हैव विश फॉर द न्यू ईयर, द न्यू एवरीवन इज अ किंग अंटिल द रियल किंग्स विराट कोहली का जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि भाई बैक टू बैक 100 मारना, वही ओल्ड कोहली 45th ओडीआई के अंदर सेंचुरी मारी, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। मैं तो जिसको कहते हैं ना, यही वजह है जो आज यहाँ इसकी तस्वीर मैंने एक अरसे से लगाई हुई। बुरे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। विराट कोहली ने शानदार 113 रनों की पारी खोली, जबकि रोहित शर्मा ने 83 रनों की पारी खेली। इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया इनकी खूब तारीफ कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि विराट कोहली ने नए साल का आगाज शानदार शतक से किया है। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज इन दोनों ने जवाब दे दिया, रोहित शर्मा विराट कोहली ने उन तमाम लोगों का जो ये कल खबरें चला रहे थे रोहित शर्मा के लिए कि ये T20 से नहीं होंगे और विराट कोहली T20 में नहीं होंगे, बता दिया। रोहित शर्मा ने टॉप ऑर्डर में आकर उनसे बोला, इतना मारूंगा पकड़ के ओडीआई में के T20 की बल्लेबाजी भी भूल जाओगे। वो चाहता तो अपने भी 100 कर सकता था, 8-10 बॉले रोक भी सकता था। वो तो कप्तान है, कौन पूछता उसको। उससे बोला मुझे घंटे की इनिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी फायर इनिंग चाहिए। जो फायरिंग वो करके गया अनबिलीवेबल, यानी कि 2020 के बाद रोहित शर्मा ओडीआई की सुप्रीम फॉर्म में नजर आए, मैरिट पे शॉट मारते हुए नजर आए। मगर उसके बाद जो कहते थे विराट 100 कब मारेगा, 100 कब मारेगा, मगर उसके बाद जब आए अब्बू तो अब्बू ने बता दिया, बेटे टीम जितनी हल्की होगी उतना ज्यादा बम्बू देता हुआ नजर आऊंगा। धूप के भरे हुए वो सारे घंटे के किंग, धूप के भरे हुए वो सारे घंटे के किंग दिया विराट ने उन सबके ऊपर। अबे तुम लाती हो, तुम मेरे मुकाबले में खड़े हो गए, तुम्हें पता भी है मेरा स्ट्राइक रेट क्या है, तुम्हें पता भी है कि मैं फ्लैट डेक पे इतना फ्लैट कर देता हूँ मार मार के। तो एक बात आपको कहूंगा कि मार्केट में अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कोई बहुत कमजोर बोलेंगे तो मैं ये बता दूं कि जाके वनिंदु असारंगा को खेल के दिखा दो, ठीक शाना को खेल के खिला दिखा दो, दिलशान मधुशंका ये वो बॉलिंग अटैक है जो एशिया कप छीन के ले गया पाकिस्तान को। इन्होंने 48 घंटे के अंदर 36 घंटे में 2 मैच हराए भाई, 36 घंटे में और ट्रॉफी ले गए। और एशियन कंडीशन में जिस तरह से अभी इस वक्त हमारे यहाँ न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही है, श्रीलंका का अटैक इस कंडीशन में उनसे डबल अच्छा है, डबल। देखे बल्ला उठाते थे कोई बल्लेबाज, ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली ये नहीं सोच रहे कि उस पे विकेट भी जा सकती है। वो बल्ला उठाते हुए ये सोच रहे कि यार ये बॉल मेरिट पे मारने वाली है, ये अपने रन करने वाली विकेट नहीं है। जी हाँ, कोहली आज करके दिखा दिया अपनी 73वीं सेंचुरी, 73 सेंचुरी मार डाली है। और एक बात तो नहीं है कि एवरीवन इज अ किंग अंटिल द रियल किंग्स एवन एंटर। बिल्कुल छा गया विराट कोहली जिस तरीके से उन्होंने आज बैटिंग किया, भारत ने 373 रन बोर्ड पर लगा दिए और विराट कोहली का एक और ताबड़तोड़ 73वां सेंचुरी विराट कोहली ने जड़ दिया 7300, अनबिलीवेबल। सचिन के बाद एक भाई की खिलाड़ी नजर आ रही है और लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपने खिलाड़ी का रिकॉर्ड ही तोड़ने की पर नजर आए। 2022 का आखिरी ओडीआई विराट का 100, 2023 का पहला ओडीआई विराट का 100। ये तो विराट ने जो है वो तबले जंग बजा दिए उन सब के लिए जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया आ रहे हैं, उनको ये बता दिया कि भाई 2023 मेरा साल है। भाई ये अगर आप देखोगे ओडीआई फॉर्मेट तो विराट कोहली छोड़ेगा नहीं, और जिस तरीके से विराट ने आगाज किया 2023 का सेंचुरी बैक टू बैक सेंचुरी, सिर्फ बात सेंचुरी की नहीं है, अगर आप इसकी सेंचुरी देखो तो किस तरीके की सेंचुरी है वो भी आप देखो, ताबड़तोड़ सेंचुरी थी। 87 बॉलों पे 113, स्ट्राइक रेट 129 का, एक छक्का, 12 चौके, ओडीआई में 129 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत अच्छा। इवन T20 का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है, बेहतरीन है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट है T20 में 129 का, क्योंकि ये तेज खेला और ये टीम के काम आई है। और अरे बात ये क्या खाते हैं विराट कोहली भाई, और वही बात है
ठीक है कि सारे किंग बने होते हैं जब तक रियल किंग नहीं आता, और आज वो आया तो उसने जब बैटिंग की तो उसने सबको शटर बॉल दे दिया। होते हैं जब तक रियल किंग नहीं आता, मैं आपकी 100% एग्री करता हूँ। अंटिल जाए रियल किंग जो है वो कम, तो उसके बाद सब जो है फिर किंग। और सेलिब्रेशन भी विराट कोहली की 73वीं सेंचुरी की वही सेलिब्रेशन थी, पिंजरों में घुस जाते हैं जब जो रियल किंग जो है वो आते हैं और शानदार किस्म का 373 बना दिया। ये बात तो साबित हो गई है जो इंडिया की ओडीआई की टीम है स्ट्रॉन्ग तरीन टीम है और ये बहुत आसानी से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। आपका ये इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेला जाना बहुत मुश्किल होगा इंडिया को इंडिया के अंदर हराना। हिटमैन वाज अंडर प्रेशर, अगर कोई कहे नहीं है ठीक है, कुछ बीच में 50-60-70 कर रहा था 80, लेकिन ये वाला जो आज का 83 है ठीक है, एक अपील हुई अंपायर ने नट आउट दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, वो नजर आ गया रिव्यू जाया हो गया श्रीलंका का, लेकिन देखे आज जो फाउंडेशन, और देखो ये लोगों को समझ लेना चाहिए, अगर हम पिक करते हैं ना किसी प्लेयर को जी, तो वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट वेरी करता है, वो हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। शुभम गिल जो है इज अ क्लास, आज रोहित शर्मा ने जिस तरह बैटिंग की है he was so pumped up, he was so confident, music in the air, और जिस तरह आंखों को भला जो वो शॉटे मार रहा छक्के मार रहा और छक्के छुड़ा दिए 143 का ओपनिंग स्टैंड, अभी 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे वो तो गिल प्लम LBW हो गया। रोहित वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, दो गज दूर बॉल था उसको पकड़ के ले आया, वरना आज हिटमैन का 100 आपको नजर आता, दिल खुश कर दिया। चांसलेस इनिंग थी, ब्रेथ टेकिंग इनिंग थी, सिक्सेस बाउंड्रीज एवरीथिंग यू कुड हैव इमेजिन यू कुड हैव विश फॉर द न्यू ईयर द न्यू बिगिनिंग द हिटमैन एंड द किंग रोल बैक इनटू द फॉर्म। खैर विराट का तो बैक टू बैक 100 आ गया वनडेज में, लास्ट भी उसने बड़ा ठोका था वहां जाके ठोका था, अब नहीं यही ठोका था और अभी नहीं जाके ठोका था और अभी बांग्लादेश में और अभी फिर ठोका है यहाँ पे, मजा आ गया दिल खुश कर दिया। और सच्ची बात है मुझे रोहित शर्मा की इनिंग्स का ज्यादा, और जो बेवकूफ अकल के पैदल जीरो इलिटरेट्स इलिटरेट्स क्रिकेटिंग जीरो नॉलेज 50+ पे था कोहली जब कैच छूटा है और जब दूसरा कैच छूटा है 80 पे था, कैच छूटते रहते हैं। नहीं मैं आखिरी बात करता हूँ, आप जो है ना चले कुड़े और आग लगाएगा आपको रोहित द हिटमैन शर्मा एंड विराट द किंग। टू बैक 100 बाय विराट कोहली इसको कहते हैं अनस्टॉपेबल हो चुका है, कोई रोक ही नहीं पा रहा, मतलब कि अखीर होगी, इतना वेट करवाया सेंचुरीज का और लगातार सेंचुरीज पे सेंचुरी आती जा रही है। व्हाइट बॉल के अंदर विराट कोहली ने अन्नी पाव प्रोग्राम शुरू किया हुआ है आज की। विराट कोहली का जितनी तारीफी की जाए कम है, क्योंकि भाई बैक टू बैक 100 मारना, वही ओल्ड कोहली 45th ODI के अंदर सेंचुरी मारी, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। मैं तो जिसको कहते हैं ना यही वजह है जो आज यहाँ इसकी तस्वीर मैंने एक अरसे से लगाई हुई, बुरे टाइम का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली को, क्यों, क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत है। और फाइनली इसको कहते हैं ना, अब हमारे इसको कहते हैं ना टाइम पूरा जबरदस्त किस्म का आने वाला है, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से रन आने वाला है, क्योंकि अब ये नहीं रुकेगा, अब विराट कोहली अनस्टॉपेबल हो चुका है, ये नहीं रुकेगा। और मुझे डर लग रहा है क्यों, क्योंकि जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है ओडीआई का, विराट कोहली मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि विराट कोहली ने बड़ी स्ट्रगल की है 2 साल के अंदर और विराट कोहली का बल्ला बड़े अच्छे टाइम पे चल रहा है, क्योंकि हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई लेकिन टीम बाकी वाले परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। इस दफा जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर होने जा रहा है, मुझे लग रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, मुझे लग रहा है कि विराट कोहली इतिहास लिखने जा रहे हैं।